आज जो हम क्लिनिकल एनाटॉमी करने लगे हैं ये हमारी के एल एम 7th एडिशन के अंदर है और लोअर लिम्ब से रेलेवेंट है। इसमें जो आज हम टॉपिक करेंगे वो उनमें से हमेशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के एग्जाम के अंदर ये हर साल हर दफा रिपीट होता है, अगर एनुअल में ना आए तो सप्ली में आ जाता है ये। तो इन स्टूडेंट्स इन इन जो टॉपिक्स हैं उसके लिए आपकी प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने जो वीडियो लेक्चर्स हैं ग्रॉस एनेटमी से रेलेवेंट जिसमें लोअर लिम कवर किया हुआ है वो मैंने आपसे गूगल क्लासरूम में शेयर किए, वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। मैंने सबसे पहले लास्ट वीक में आपको सारी बोन्स की जो एनेटमी थी वो शेयर की थी। इस वीक मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ जो आप लोगों ने ग्रॉस में पढ़ा है अभी तक, डाइसेक्शन की क्लासेस आपने जो ली हैं उसमें जो आपने टॉपिक कवर किए हैं सॉफ्ट टिश्यूज के, वो मैं सारे आपके करवा दूं, अपलोड कर दूं, ताकि आप लोग जब मर्जी उसे देख सको और उसके बाद अपने बुक से टैली कर सको। आज का जो हमारा पहला क्लिनिकल एनाटॉमी का टॉपिक है वो है फेशिया वेन्स लिम्फेटिक्स और कुटेनियस नर्व से रेलेवेंट, और बुक मेरे पास ओपन है केएलएम का 7th एडिशन ग्रॉस एनाटॉमी का। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कंपार्टमेंट सिंड्रोम एंड फेशियोटमी। आप लोगों को ये पता है शुरू दिन से, आप लोगों ने जनरल एनाटॉमी में भी पढ़ा है कि हमारे जो बॉडी में फेशिया हैं वो दो किस्म की हैं, एक को हम कहते हैं सुपरफिशियल फेशिया, एक को हम कहते हैं डीप फेशिया। जो सुपरफिशियल फेशिया है उसमें कुटेनियस नर्व एंड वेसल्स होती हैं, ये पैडिंग करता है, इसमें फैट्स होते हैं। और जो डीप फेशिया होता है वो कंपार्टमेंट्स बनाता है, वो इंट्रा मस्कुलर सेप्टम बनाता है, दो मसल्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है, और वही नीचे आके जब बोन से अटैच होता है तो वो एक कंपार्टमेंट बना देता है। यही फेशिया अगर डीप फेशिया पाम ऑफ द हैंड और सोल ऑफ द फुट में थिक हो जाए तो पामर और प्लांटर एप्यूनुरोसिस बनाता है। यही डीप फेशिया जो है जब आपके रिस्ट के ऊपर एंटीरियरली और पोस्टीरियरली एक बैंड बनाता है और लोअर लिम्ब के अंदर एंटीरियर ऑफ द एंकल जॉइंट, लेटरल ऑफ द एंकल जॉइंट एंड पोस्टीरियर ऑफ द एंकल जॉइंट जब ये बैंड बनाता है और टेप की तरह जोड़ देता है मसल्स को और नर्व्स को, तो इसको हम क्या कहते हैं, जो आपने बड़ा मशहूर पढ़ा हुआ है कार्पल टनल सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा, नीचे आप टिबियल टनल सिंड्रोम पढ़ेंगे। मुझे चैट में स्टूडेंट्स बताएंगे कि वो क्या चीज बनाता है ताकि मुझे पता लगे कि अभी इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट्स की क्या है, वो कौन से बैंड्स होते हैं जो नर्व्स एंड वेसल्स को जोड़ के रखते हैं। जी एग्जैक्टली, रेटिनेकुलम। और ये रेटिनेकुलम जो है सिंगुलर रेटिनेकुलम और प्लूरल रेटिनेकुला। चले ये तो हो गया डीप फेशिया की एक फंक्शन और सुपरफिशियल फेशिया का फंक्शन। अब इसका थोड़ा सा क्लिनिकल देख लेते हैं। जब किसी कंपार्टमेंट में इंफेक्शन होगी तो वो इंफेक्शन उसी कंपार्टमेंट में ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल एब्सेस बन जाती है, पस बन जाती है, कोल्ड पस बन जाती है यानी ट्यूबरकुलस भी हो जाती है, नॉन ट्यूबरकुलस हॉट जो पस है वो बन जाती है, तो वो रिटेन करेगी उसी पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में। दूसरे नंबर पे समटाइम्स इंजरी होगी इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, ब्रॉल कहते हैं इसे, कोई वॉरफेयर इंजरी होगी जिसमें बुलेट वुंड हो गया, तो अगर उसमें कोई वेसल भी डैमेज होती है तो वो सारी की सारी उसी कंपार्टमेंट के अंदर ही रहेगी जो आप लोगों ने पढ़े अभी। जैसे लोअर लिम के अंदर आपने थाई के अंदर एंटीरियर कंपार्टमेंट पढ़ लिया हुआ है, देन कम्स द मिडल कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, तो उसकी वजह से किसी भी पस की वजह से अक्यूमुलेशन ऑफ पस हो गई, वहां पर कोई चीज रप्चर हो गई तो वहां पर प्रेशर डेवलप होगा, उस प्रेशर की वजह से जो ब्लड वेसल है या ब्लड फ्लो है टुवर्ड्स द बोन एंड मसल्स एंड जो वेनस फ्लो है वो सारे का सारा जो है कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसके अलावा वहां को जो भी नर्व होगी वो कंप्रेस हो सकती है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम।
अच्छा, अब आप पूछेंगे सर ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया, अब इसको कैसे ठीक करेंगे। तो इसी में लिखी हुई है बात, आपके इसी चैप्टर में लिखी हुई है कि उसके अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट हम कोशिश करेंगे कि वहां पे जो प्रेशर है उसे रिलीज किया जा सके। उसके लिए हम वो फेशिया यानी इंटरमस्कुलर सेप्टम या जो भी उसका कंपार्टमेंट का एक सेप्टम था उसको हम डाइसेक्ट कर देंगे, काट देंगे। तो इसको हम कहते हैं फेशियोटमी। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम और फेशियोटमी की जो डिटेल्स हैं वो आप इस पैराग्राफ में पढ़ चुके होंगे, पढ़ लेंगे। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर आप इम्पोर्टेंट लिख भी दें, मार्क भी कर दें अपनी बुक के ऊपर, कि वेरिकोज वेन्स, खास तौर पर ग्रेट सेफनस वेन की वेरिकोज वेन, ये हर साल क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट लोअर लिम से मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन अगर किसी एग्जामिनर का है इन रिटन पेपर या इन वाइवा, तो वो वेरिकोज वेन है और ये बहुत कॉमनली है। उसके बाद डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप मुझे स्टूडेंट्स ये बताइए, आप लोगों ने वेरिकोज वेन पढ़ ली है? अगर तो आपने वेरिकोज वेन पढ़ ली है देन वेल एंड गुड, आपके लिए समझना आसान है। अगर नहीं पढ़ी तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें उसका रेफरेंस कोट करूंगा और आपको आगे इसका क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ाऊंगा। जी मुझे ज़रा बताइए, आप चैट में भी लिख सकते हैं, आप माइक पे भी बोल सकते हैं। जो ग्रेट सेफनस वेन है और स्मॉल सेफनस वेन, ये दो वेन्स हैं, ये इन्हें प्री एक्सियल एंड पोस्ट एक्सियल वेन्स के नाम से भी जाना जाता है। दे आर रेसिप्रोकल टू द सेफेलिक एंड बेसिलिक वेन्स ऑफ द अपर लिप। अब इसके अंदर एंटी ग्रेविटी ब्लड फ्लो करता है। एंटी ग्रेविटी जो ब्लड है इसके अंदर वो फ्लो करता हुआ इंफीरियर वेना कैवा में जाएगा और वहां से वो हार्ट में ड्रेन कर देगा। सो ये बेसिक फिनोमेन है। इस काम के लिए अल्लाह ताला ने इन वेन्स को दो तरीके के साथ कनेक्ट किया हुआ बॉडी में। पहला फीचर यह है कि इस वेन के अंदर होते हैं वेल्व्स, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये वेल्व्स हैं, ये बैकवर्ड फ्लो को रोकेंगे। वंस एक दफा ब्लड ऊपर चला गया तो वेल्व की मदद से वो वापस नहीं जाएगा, वो ऊपर ही जाएगा। दूसरे नंबर पे ये कनेक्ट होती हैं ग्रेट सेफनस वेन्स डीप वेन्स के साथ। डीप वेन्स वो वेन्स हैं जो मसल्स और बोन के दरमियान में पड़ी हुई है, डीपली पड़ी हुई है। ग्रेट सेफनस वेन जो है ये सुपरफिशियल वेन है, ये जस्ट सबकुटेनियस पड़ी हुई है। ठीक है, अब ये दो कंसेप्ट आपने लेने हैं। ग्रेट सेफनस वेन जो है वो पड़ी हुई है सबकुटेनियस, बिल्कुल स्किन के नीचे सुपरफिशियल पड़ी हुई है, नजर भी आती है अगर ये इंगॉर्ज हो जाए, फूल जाए। दूसरे नंबर पे इसमें वेल्व्स होते हैं। तीसरे नंबर पे ये कनेक्ट होती है डीप वेन के साथ थ्रू स्मॉल वेन्स। इन स्मॉल वेन्स को हम कहते हैं परफोरेटर्स। क्या कहते हैं? परफोरेटर्स कहते हैं। अब आप थोड़ा सा देखिएगा कि ये वेरिकोज कब होंगी। वेरिकोज मीन्स टॉर्चुअस स्नेक लाइक अपीयरेंस। दो बड़ी रीजंस हैं, इसमें ब्लड पूल होना शुरू हो जाएगा। जब इसमें ब्लड जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाए, पूल होना शुरू हो जाए, अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, तो ये वेन्स मोटी मोटी स्नेक लाइक अपीयरेंस देती हैं, टॉर्चुअस हो जाती हैं। अब इसकी दो रीजंस हैं। पहली रीजन है इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द वेल्व्स, कि वेल्व जो है वो इनकॉम्पिटेंट हो गए, जिसकी वजह से ब्लड जो था वो बैकवर्ड आना शुरू। और उसकी दूसरी वजह हो सकती है कि परफोरेटर्स थे वो इनकॉम्पिटेंट हो गए। परफोरेटर्स वो वेन्स थी जो सुपरफिशियल वेन्स को डीप वेन्स से कनेक्ट करती थी, ब्रिजिंग वेन्स भी इन्हें कहते हैं। तो दो ही रीजंस हैं, या वेल्व्स की इनकॉम्पिटेंसी या परफोरेटर्स की इनकॉम्पिटेंसी। अच्छा, अब आप ये पूछोगे, ये सवाल आपके जहन में आएगा कि सर वेरिकोज वेन्स होती क्यों है, इनकॉम्पिटेंसी हो गई ठीक है मान लिया, और किस कंडीशन में होती है? तो जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा, किसी वजह से एब्डोमन के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड को फ्लो करने में मुश्किल आएगी अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ब्लड वापस जाना शुरू हो जाएगा इस वेन में, ऊपर से नीचे जाना शुरू कर देगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी टूवर्ड्स द ग्रेविटी जाना शुरू हो जाएगा।
उसके नतीजे में कुछ भी हो सकता है, ये टॉर्चुअस हो जाएंगी, इनकी वेल्व्स की इनकॉम्पिटेंसी भी हो सकती है और परफोरेटर्स की इनकॉम्पिटेंसी भी हो सकती है। तो ये आप डायग्राम में देख रहे हैं सामने, कि ये देखें आपको इस डायग्राम में लोअर लिम के अंदर इस लेग पोर्शन में ये मिडिल साइड पे पड़ी है ग्रेट सेफनस वेन, तो ये आपको बड़ी क्लियरली नजर आ रही है। देखिए ग्रेट सेफनस वेन का पूरा आपको कोर्स नजर आ रहा है कि टॉर्चुअस होगी ये स्नेक लेग अपीयरेंस होगी। अब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर किस वजह से हो सकता है? नंबर वन, पेट में पानी पड़ जाए जिसको हम एसाइटिस कहते हैं, फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाए एबनॉर्मल, ठीक है, ड्यू टू लिवर फेलियर, रीनल फेलियर, कोई भी ऑर्गन फेलियर। नंबर टू, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर किसी ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है कि पेशेंट के अंदर ट्यूमर पड़ा हुआ है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक आता है सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, बड कैरी सिंड्रोम, जिसमें इंफीरियर वेना कैवा कंप्रेस होती है किसी ट्यूमर की वजह से। तीसरे नंबर पे प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर भी जब वो टर्म रीच कर रहा होता है, फीमेल जो है, फीटस जो है वो बहुत बड़ा हो चुका होता है, 7-8 मंथ का होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है रेज कर जाता है, उसकी वजह से भी ये वेन्स टॉर्चुअस और स्नेक लेग अपीयरेंस देती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्रेट सेफनस वेन, सॉरी वेरिकोज वेन ऑफ द लोअर लिम, ठीक है। ये सारी बातें आपकी इसके अंदर लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी बताई है। अच्छा, अब जो इसमें इंपॉर्टेंट दूसरा क्लिनिकल है वो है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। किसी भी डीप वेन के अंदर थ्रोम्बस का लॉज हो जाना, कोई फैट पार्टिकल हो सकता है, मे बी कोलेस्ट्रोल हो सकता है, कोई क्लॉट हो सकता है, कोई एयर हो सकती है, एयर एम्बुलस भी बोलते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि पेशेंट जो है वो कंप्लेन लेकर आएगा आपके पास कि डॉक्टर साहब जब मैं चलने लगता हूँ, जैसे ही टांग में आगे बढ़ाता हूँ, कदम बढ़ाता हूँ, तो मेरी टांग में दर्द होती है बहुत ज्यादा। इस कंडीशन को हम कहते हैं क्लॉडिकेशन, CLAU, क्लॉडिकेशन, ठीक है। तो पेशेंट ये बड़ी कॉमन सी कंप्लेन लेके आता है, नमनेस यानी उसको सुन होना शुरू हो गया, नंबिंग सी फीलिंग्स आने शुरू हो गई, पेन, परसिस्टेंट पेन, डल पेन रहनी शुरू होती है उसकी टांग में, और वीकनिंग शुरू हो जाती है उसकी उस पर्टिकुलर लिम के अंदर, ठीक है। अब तीसरी चीज देखेंगे कि उस पेशेंट के अंदर जब आप उसे टच करोगे तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल लेग के टेम्परेचर से डिफरेंट होगा। दोनों लिम्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो दोनों का टेम्परेचर एक दूसरे से फर्क होगा, इट मे बी मोर हॉट और मोर कोल्ड, ठीक है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो ये इसे कहते हैं डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, डीप वेन के अंदर थ्रोम्बस का लॉज हो जाना। एंड हाउ यू विल डायग्नोस, ये तो आपने क्लिनिकली डायग्नोसिस निकाल लिया, पेशेंट की हिस्ट्री ले ली, कंप्लेन सुन ली, ठीक है, आपने उसको एग्जामिन कर लिया। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा करवाओगे जिसमें आप क्लियर कट आपको अंदाजा हो जाए कि ये डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का पेशेंट है? पहला टेस्ट होता है वीनोग्राफी, ठीक है, हम वेन्स की रेडियोग्राफी करवाते हैं। दूसरे नंबर पे अल्ट्रासोनोग्राफी, कलर डॉपलर। तो ये दो टेस्ट बहुत कॉमनली किए जाते हैं, हम पेशेंट को फॉरन एडवाइस करते हैं कि जाके हमें शक है कि आपके डीप वेन के अंदर कोई थ्रोम्बस लॉज हो गया है, वो जाके आप अपना ये विनोग्राफी करवा लें। उसमें हम एक छोटी सी डाई इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद उसकी इमेजेस ले लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर क्लॉट पड़ा हुआ है, या रूटीन के अंदर हम कलर डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं। और इंशाल्लाह आप भी जब डॉक्टर बन जाएंगे आफ्टर 4 ईयर्स, तो आप ये टेस्ट कॉमनली एडवाइस भी करेंगे, ये पेशेंट आप डील भी करेंगे। तो ये था डीप वेनस थ्रोम्बोसिस एंड वेरिकोज वेन्स, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे बताएं अब है इसमें सेफनस कट डाउन एंड सेफनस नर्व इंजरी। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा है व्हाट इज थ्रोम्बोफिलिबाइटिस। थ्रोम्बो मींस थ्रोम्बस, ठीक है, फिलिप मींस वेन, आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेन ड्यू टू थ्रोम्बस, ठीक है, इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोफिलेबाइटिस। तो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डीवीटी कुछ लोग कह रहे हैं कि रिपीट कर दें। स्टूडेंट मुझसे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्टूडेंट ने पूछा है कि हाउ यू विल ट्रीट द वेरिकोज वेन्स। देखिए इसके अंदर डिफरेंट जो है वो मेथोडोलॉजीज यूज होती है। फर्स्ट इज कंजर्वेटिव थेरेपी, नॉन सर्जिकल,
दूसरी है सर्जिकल थेरेपी। नॉन सर्जिकल थेरेपी के अंदर पेशेंट को हम कहते हैं कि आप अगर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग हो आपकी, अगर आप पुलिस मैन हो, अगर आप ड्यूटी के ऊपर हो, जैसे सोल्जर्स आपके खड़े हुए हैं काफी देर तक, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है उनकी, 12-12 घंटे 8-8 घंटे वो खड़े हुए हैं, या ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर जो हैं, सर्जन जो हैं, वो खड़े हुए हैं, उनको वेरिकोज हो रही है, हम उन्हें कहते हैं कि आप अपनी फिंगर्स को मूव करते रहा करें, खड़े खड़े अपनी टांग को हिलाते रहें, इसको क्या कहते हैं, नी को फ्लेक्स करते रहें, डॉर्सी और प्लांटर फ्लेक्शन करते रहें, ताकि पंपिंग होती रहे आपकी, ठीक है, ब्लड पूल ना हो, पूल नहीं होने देना ब्लड। दूसरे नंबर पर जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है वो ये है कि पेशेंट से कहते हैं कि उन्हें ऐसी स्टॉकिंग्स, ऐसी जराबें बना के दी जाती हैं जिससे जो ब्लड है वो डाउनवर्ड फ्लो ना कर सके और बाहर से प्रेशर जनरेट किया जा सके, किसके ऊपर, ग्रेट सेफनेस वेन के ऊपर। अच्छा, ये थी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। दूसरी है सर्जिकल थेरेपी। सर्जिकल थेरेपी के अंदर एक लेजर थेरेपी है जिसमें हम वेल्वुलोप्लास्टी करते हैं, वेल्व्स को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, जो टू सम एक्सटेंट इट इज सक्सेसफुल, माइट नॉट बी। दूसरे नंबर पे हम करते हैं कि अगर तो परफोरेटर्स का फॉल्ट है तो हम परफोरेटर्स को काट देते हैं, उनका कनेक्शन ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि वेल्व्स ठीक हैं, ब्लड जो है वो एंटी ग्रेविटी फ्लो कर जाएगा, वेरिकोज वेन्स नहीं होंगी। तो ये सर्जिकल थेरेपी है। समटाइम्स वेरिकोज वेन्स अगर बहुत सीवियर हो जाए तो हम ग्रेट सेफनेस वेन को रिमूव कर देते हैं। तो ये इसकी मैनेजमेंट है। अच्छा, सेफनेस वेन का एक और इम्पोर्टेंट एक क्लिनिकल है कि सेफनेस वेन जो है वो ग्राफ्टिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। सेफनेस वेन को हम रिमूव करके कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, यानी कि जिसको हम बाईपास सर्जरी कहते हैं हार्ट की, उसमें ये वेन यूज होती है फॉर द बाईपास, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हमारा जो इस वक्त एक और इम्पोर्टेंट क्लिनिकल है जिसको हम कहते हैं सेफनेस कट डाउन। सेफनेस कट डाउन जो है ये आप इंशाल्लाह ताला हाउस जॉब के अंदर एक इमरजेंसी प्रोसीजर है, सीखोगे और जरूर सीखना, ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको कि वंस यू स्टेप इनटू द हाउस जॉब, स्पेशली द सर्जिकल हाउस जॉब जो आप करेंगे, उसके अंदर आप अपने कंसल्टेंट से, अपने प्रोफेसर से ये जरूर कहें कि सर हमने वेनस सेफनेस कट डाउन वो सीखना है, हमने इसको वेनस कट डाउन भी कहते हैं। होता इसमें ये कि पेशेंट हमारे पास जब सीवियर एमरजेंसी के अंदर आता है, शॉक की हालत में होता है, तो उसकी सारी बॉडी की वेन्स कोलैप्स की भी होती है, आपको इंट्रावेनस फ्लूइड देने के लिए वेन मिल ही नहीं रही होती, ग्रैनुला पास नहीं हो रहा होता, तो क्या करते हैं कि जी हम सर्जन को कॉल लिख देते हैं या सर्जिकल एमरजेंसी वन को कॉल लिख देते हैं कि जी इसका वेनस कट डाउन कर दें या CVP लाइन पास कर दें, यानी कि इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर पास कर दें। तो इंटरनल जुगुलर वेन जो नेक की वेन है उसको छेड़ना इज क्वाइट रिस्की। तो हमें, हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हम जो ग्रेट सेफनेस वेन है उसका कट डाउन करें और वहां पर ग्रैनुला पास करें। तो अब आप यहां से अंदाजा लगाएं कि इस वेन को देखें आप, ठीक है, इस माउस पॉइंटर को फॉलो करें, तो ये जो एंकल है यहां पर, इसको मेलोलस बोलते हैं, ठीक है, यहां पर मीडियल मेलोलस, तो उसके पास से ये वेन गुजर रही है, वहां पर हम एक इसका प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है, टूवर्ड्स द रूट, ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है और यहाँ इसका एक डिस्टल एंड होता है, इन दोनों को हम लाइगेट कर देंगे। कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ एक छोटा सा निक देते हैं, छोटा सा इंसिजन देते हैं, ये वेन एक्सपोज हो जाती है उस पेशेंट के अंदर, उसके बाद दो जगह पे हम यहाँ से टाई कर देते हैं, इसको बांध देते हैं, लाइगेट कर देते हैं, फिर उस वेन के अंदर हम एक इंसिजन लगाते हैं और नीडल पास कर देते हैं, और वहां पर हम उसका जो ये वाला एंड था, इसको हम यहाँ पर हम प्रॉक्सिमल एंड बोलेंगे, ये डिस्टल एंड है, ये प्रॉक्सिमल एंड है, इसको हम इसका लाइगेचर हम ओपन कर देंगे, तो हम कोई भी इंट्रावेनस फ्लूइड दे सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं इसके अंदर हम, तो इसे हम कहते हैं सेफनेस कट डाउन, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग मैनूवर। जी, अब क्वेश्चन आई थिंक किसी ने पूछा है, जो स्टूडेंट पूछ रहा है कि पल्पेशन फील हो रही है, जो अगर सामने फील होती है ना आपको पल्पेशन, तो वो डॉर्सलस पीडस आर्टरी की पल्पेशन फील होती है, जो आप पल्स लेंगे ना, डॉर्सलस पीडस आर्टरी होती है इन फ्रंट ऑफ द एंकल जॉइंट। यहां तक आई थिंक सबको समझ आ गया।
अब इसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इवन व्हेन इट इज नॉट विजिबल इन इन्फेंट्स इन ओबीस पीपल और पेशेंट इन शॉक हुज वेन्स आर कोलैप्स द ग्रेट सेफनेस वेन कैन ऑलवेज बी लोकेटेड बाय मेकिंग अ स्किन इंसिजन इंटीरियर टू द मिडल मेलोलस दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड सेफनेस कट डाउन इज यूज टू इंसर्ट कैनुला फॉर प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा एक्सपेंडर्स इलेक्ट्रोलाइट्स और ड्रग्स. अब आगे सेफनस नर्व इंजरी के बारे में वो लिखता है द सेफनस नर्व अकंपनीज द ग्रेट सेफनस वेन एंटीरियर टू द मीडियल मेलोलस शुड दिस नर्व बी कट ड्यूरिंग द सेफनस कट डाउन और कॉर्ड बाय अ लिगेचर ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ द सर्जिकल वाउंड द पेशेंट मे कंप्लेन ऑफ पेन और नमनेस अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द फुट. तो ये एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि उसमें ग्रेट सेफनस वेन के साथ ही सेफनस नर्व भी जा रही है और वो डैमेज हो जाए ये लिगेचर में चले जाए तो पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेगा पेन और नंबनेस की मिडल बॉर्डर ऑफ द फुट पे. अच्छा जो स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे हैं कि ये चीज रिपीट कर दे बेटा फिकर ना करो ये चीजें मैं सारी की सारी अपलोड कर दूंगा आपके यूट्यूब पे और गूगल क्लासरूम में सो यू कैन हैव अ चांस टू गेट थ्रू दैट अगेन. अच्छा ये क्लिनिकल और इम्पोर्टेंट है. ये सारी क्लिनिकल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये आप लोगों का यूं समझ लें कि कारोबार है दैट इज अ बिजनेस. अगर आपको ये चीजें आ गई हैं यू आर एबल टू ट्रीट और डील द पेशेंट. उसमें है जी एनलार्ज लिम्फ नोड्स. आप लोग इसको पढ़ेंगे आप लोगों ने पढ़े होंगे लिम्फ नोड्स जो हैं जो आपके फेमोरल ट्राइंगल है वहां पर आपने लिम्फ नोड्स पढ़े होंगे. तो जब भी लिम्फ नोड एनलार्ज होता है उसकी दो रीजंस हो सकती हैं. पहली रीजन है कोई डिजीज ऐसी है जो पैथोजेनिक है इन्फेक्शन है इन्फ्लेमेशन है. दूसरी कोई कैंसर है मलिग्नेंसी है. ये आप बेसिक रूल जहन में रखें. अगर तो वो पेनफुल हैं रबरी हैं और टेंडर हैं यानी कि आपको बहुत सीवियर पेन हो रही है पेशेंट को पेन आप जैसे पल्पेट करते हैं पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाती है वहां पर या पेनफुल है तो वो इट माइट बी द कॉज इज इन्फेक्शन. अगर पेनलेस हैं और हार्ड और फिक्स्ड हैं द कॉज माइट बी कैंसर. तो अगर आप लिम्फ नोड के इनलार्जमेंट देखें तो कहां कहां पे इनलार्ज होंगे और क्यों इनलार्ज होंगे ये लिखा है सामने द लिम्फ नोड्स इनलार्ज व्हेन डिजीज्ड एब्रेशंस एंड माइनर सेप्सिस कॉज द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर टॉक्सिन्स इन द ब्लड. ठीक है सारी बात उसने लिख दी भी है लिम्फ एडिनोपैथी लिम्फ नोड फूल जाते हैं. अब बात होती है इंग्वाइनल लिम्फ नोड. When inguinal lymph nodes are enlarged, their entire field of drainage, the trunk inferior to the umbilicus, ये आपने टी शेप देखे होंगे ये टी शेप में होते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है और एक वर्टिकल ग्रुप होता है. जो वर्टिकल ग्रुप है ना जो नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है वो सारा ड्रेन कर रहा है आपके लोअर लिम्फ को नीचे वाली साइड से थंब से लेकर नी नी से ऊपर थाई लेग सारा वो कर रहा है ड्रेन. अच्छा जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप है उसके दो पार्ट्स हैं एक मिडिल और एक लैटरल. जो मिडिल पार्ट होता है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं मेल फीमेल के ये उनको ड्रेन करता है और जो लैटरल वाली साइड का है वो सारा का सारा बटक्स को ऊपर से एब्डोमेन वाली साइड को थोड़ा बहुत जो इंग्वाइनल रीजन है उसको ये सब ड्रेन कर रहा है. तो जो लिम्फ नोड इन स्वोलन होगा पॉइंट डायग्नोसिस यही होगा कि वो उस जगह की इंफेक्शन को ड्रेन कर रहा है. पेशेंट कंप्लेन लेकर आता है उसको सीवियर क्या कहते हैं कुछ चोट लगी थी थंब के ऊपर बिग टो पे पाउंड के अंगूठे पर चोट लगी तो लिम्फ नोड लार्ज हुआ होगा वर्टिकल ग्रुप में से. अगर किसी पेशेंट को जेनिटल एरिया में इंफेक्शन हुई है तो मीडियल कंपार्ट जो मिडिल साइड वाला आपका हॉरिजॉन्टल ग्रुप है वो इनलार्ज हुआ होगा. तो ये जो डायग्नोसिस है हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है लिम्फ नोड्स को लेते हैं. जैसे आपका गला खराब होता है आप कहते हैं टॉन्सिल्स हो गए तो टॉन्सिल्स आर आल्सो लिम्फ नोड्स इन थ्रोट गले के अंदर जो टॉन्सिल्स हैं तो ये शो करता है इन्फेक्शन को. अब ये रीजनल नर्व ब्लॉक्स ठीक है एबनॉर्मेलिटीज ऑफ सेंसरी फंक्शन ये आपकी सेल्फ स्टडी है ये आप खुद देख लीजिएगा. आई थिंक आज के लिए इतना काफी है.